अगर आपको भी हमारे नए वीडियोस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो हमारे वीडियोस के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटे बटन को जरूर दबा दें। अर्थव्यवस्था करके चौपट, मौन बैठी है सरकार, संकट में कंपनियां ठप हो गया, ये प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप गुरूर से चूर है इस वक्त और आपको अर्थव्यवस्था का ख्याल नहीं है, आपने देश को एक ऐसी व्यवस्था में डाल दिया है कि देश पीछे की तरफ बढ़ रहा है, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, जहां तक देश पीछे की तरफ बढ़ने का सवाल है, मुझे लगता है देश तो सही दिशा में बढ़ रही है। अगर पीछे की तरफ कोई बढ़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आप देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के कितने बड़े बड़े नेता जेल के पीछे हैं। कांग्रेस की व्यवस्था चरमरा गई है, उसकी व्यवस्था बिगड़ गई है। उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट में भाग लेने नहीं आते। क्यों भाग लेने नहीं आते? इतनी व्यवस्था चरमरा गई है और लोग बहुत त्राहिमाम कर रहे हैं, तो प्रवक्ता छुप के क्यों बैठे हुए हैं? आए ना सामने करने के लिए। एक प्रवक्ता का गाना गाते हैं कि ना मुंह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो, अभी तो दो बेल में है, दो जेल में है, अभी तो बाकी खेल बाकी है, ये गाना क्यों गा रहे हैं? और देखिए अंजना जी, आप हम पे विश्वास मत करिए। आपके खुद के चैनल ने इतने बड़े सर्वे को अंजाम दिया। चंद दिनों पहले मैं आप ही के चैनल पे इस सर्वे के आधार पर डिबेट पे बैठा हुआ था। इस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, मोदी जी की सरकार की हर पहलू पे सर्वे की। एम्प्लॉयमेंट पे सर्वे किया गया, भ्रष्टाचार पे सर्वे किया गया, नरेंद्र मोदी जी की किस प्रकार से उनकी एक पहचान पूरे देश में बनी है, उनकी लोकप्रियता पर सर्वे की गई। आपने देखा कि इंदिरा गांधी से भी अधिक लोकप्रियता आज किसी की है। और समस्त प्रधानमंत्री, जितने विगत प्रधानमंत्री हुए, सबका सम्मान लेते हुए मैं कहता हूं, उनसे भी अधिक लोकप्रियता आज किसी की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। लोग अगर लोग परेशान हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, हर कोई बेरोजगार है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो लोग नरेंद्र मोदी जी से इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? ये तो आपका ही सर्वे कहता है। तो मैं ये सवाल विपक्ष से पूछता हूं, आप छुपे क्यों हुए हैं, सर छुपा के क्यों जी रहे हैं, और ये सर्वे में नरेंद्र मोदी जी सबसे आगे क्यों है? बेदम क्यों है इस वक्त विपक्ष अतुल अंजान जी? अगर हर तरफ मोदी मोदी हो रहा है तो इसका कुछ तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या वजह है, क्यों विपक्ष ऐसे बेदम हो रहा है। अतुल जी, विपक्ष दो तरह का विपक्ष है, एक मध्यमार्गी विपक्ष है, एक वामपंथी विपक्ष है। विपक्ष में कहीं से कोई कमजोरी नहीं है, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, जनता के सवालों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, किसानों के हो रहे हैं, मजदूरों के हो रहे हैं, बैंक कर्मचारियों के हो रहे हैं, विद्यार्थियों के हो रहे हैं, नौजवानों के हो रहे हैं। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा 100 दिन के कामकाज में कल एक ठप्पा लग गया, पूरी ताकत से केंद्रीय मंत्री सब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में थे, सब गुलाट खा के गिर पड़े चुनाव में। क्या हुआ वहां? ये वामपंथ क्यों जीत गया, किस लिए जीत गया? जितना वोट उसको मिला उसका एक तिहाई वोट भी नहीं मिला है बीजेपी के, आरएसएस को और एबीबीपी को। क्या वजह है, क्या कारण है? मोदी की नाकामी से आप जेएनयू में जीत रहे हैं, सारे बैंक के कर्मचारी उद्वेलित हैं, सारे बैंक के कर्मचारी उद्वेलित हैं। हम नहीं कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए, ये मैं आपको पढ़ के दिखा बताता हूँ। एक कुछ महत्व, मंदी साफ दिख रही है, एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारिक कहते हैं, आर्थिक हालात लगातार चुनौतीपूर्ण है, हमें बने हैं और 7% से भी कम है। लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन एएम नाइक कह रहे हैं, इकॉनमी साफ तौर पर स्लो डाउन से गुजर रही है। कोटक इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विटी के संजीव प्रसाद कह रहे हैं, अनिश्चित दौर की ओर जा रही अर्थव्यवस्था। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कह रहे हैं, अतुल कुमार अंजान कुछ नहीं कह रहे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कुछ नहीं कह रही है। लेकिन अतुल कुमार अंजान क्या जेएनयू को देश समझ रहे हैं? परिषद के सदस्य रॉबिन राय कहते हैं, गहरे संकट की ओर जा रही है। भारत भी ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे धीमी गति के विकासशील देशों की राह पर चल पड़ा है। कि मैं कुछ थोड़ा ही बोल रहा हूँ, ये तो अखबार की टिप्पणियां, ये सब लोग पिछले 5 साल से राजा का बाजा बने हुए थे, आज ये कह रहे हैं। देख राजा का बाजा बने हुए थे, ठीक है, जवाब दीजिए समित जी, उसके बाद मैं अरविंद जी। लोग भूख प्यासों से मर रहे हैं, मैंने कहा था आपके उसमें समित जी, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है, तो मंदी है, मंदी है तो मोदी है, ये बात बहुत ही गंदी है। लीजिए जवाब दीजिए, बताइए जवाब दीजिए। देखिए
हाँ, आराम से अतुल भाई, मैं तो पहले आपको मुबारकबाद दे दूं। आप बहुत खुश भी हैं, गंगा ढाबा में आपकी जीत हुई है। वैसे ले दे के CPIM तो गंगा ढाबा तक ही सीमित है। गंगा ढाबा वही है ना, JNU में गंगा ढाबा। लेकिन आपकी तो गंगा पानी सूख गई, CPIM की जीत हुई है। गंगा ढाबा में जीत हो गई, आपका गंगा पानी सूख गया। आप परेशान मत होइए, मैं तो आपको मुबारक। अरे अरे अरे, बनारस में गंगा के किनारे क्यों ये गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा मत होइए, अरे गुस्सा मत होइए, मैं बधाई दे रहा हूँ, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? कर दिया माय डियर। अरे ये क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो बधाई दे रहा था, बधाई देना भी। अरे मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अंजना जी, क्या क्या जमाना, क्या घोर कलयुग आ गया बताइए। मैं इनको बधाई भी नहीं दे सकता हूँ, ये कैसा कलयुग आ गया है? ये दिक्कत है। अरे आप बधाई भी तो टॉन्ट के अंदाज में देते हैं। कितने प्यार से बधाई दी, बिल्कुल नहीं बधाई दीजिए कि उन्होंने जिता दिया नवीन पटनायक, हमको मत दीजिए बधाई। आप अरे आप राहुल गांधी को बधाई है, आप नाराज दे रहे हैं। आप नवीन पटनायक को बधाई दीजिए, हमको क्यों दे रहे हैं? तो नहीं दे रहे भाई, हमें नहीं चाहिए बधाई आपकी, हमें आपकी बधाई नहीं चाहिए। कृपया अतुल भाई आराम से, आराम से रखिए, उसे अनर्गल प्रयास में मत खराब आप कीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से। मैंने चल रहा हूँ, आराम से कहो नरेंद्र मोदी से कि वो चले। जी मुझे बहुत तेजी में है, ये 100 दिन में आके 3 सीट है नहीं, 30 मिनट ये बोलेंगे तो कैसे होगा? अंजना जी अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छी बात नहीं। अंजना जी लगातार ऐसे ऐसे, मैं भी चिल्ला सकता हूँ, मैं भी चिल्ला सकता हूँ, मुझे बोलना पड़ा, मतलब मैं नहीं बोलता। आप जब अरे अतुल जी सुन लीजिए, अब बहुत हो गया ये चिल्ला चोट। आप देखिए अतुल जी, आप इस पैनल में सबसे वयस्क हैं, सबसे बड़े हैं, ये व्यवहार आपको शोभित नहीं करती। आप सुनिए, दूसरों को भी सुनने का मादा रखिए। ये चिल्ला ये नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह चिल्लाना बंद करिए और दूसरों को सुनिए। सुनिए सुनिए, नर्सरी क्लास के बच्चों की तरह चिल्लाना बंद करिए। बड़ी खराब है, ठीक है, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। आप मत बोलिए, आपके मंत्री 17 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे सुनिए अंजना जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता, मैं सबके बीच में बोलूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता है आयु में इतने बड़े लोगों को थोड़ा अपने आयु के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। आराम से सुन लीजिए ना, क्या फ्रस्ट्रेशन होता है, इसका अर्थ नहीं कि चिल्लाते रहेंगे। सुनिए ना, देखिए ये अतुल अंजान रहे हैं, ये अतुल अंजान जी बोल रहे हैं, संबित पात्र प्रतिकूल बोल रहे हैं, इसलिए अनुकूल नहीं बोल पा रहा हूं मैं। अर्थव्यवस्था संबित पात्रा जी, अंजना जी मैंने क्या बात कर दिया? अंजना जी मैं बोल तो रहा हूँ, ये बोलने दे तभी तो। अंजना जी मैंने इनको, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हार गया, JNU में हार गया, और नरेंद्र मोदी गिर गए, वहां पर हम जीत गए, तो मैंने बधाई दे दी। कौन सा पाप कर दिया मैंने? मैंने कहा गंगा ढाबा में जीत गए, बहुत बहुत बधाई, अब कैबिनेट एक्सपेंशन करो गंगा ढाबा। ये नाराज हो गए, एकदम ज्वालामुखी की तरह फटने लगे। मैंने नहीं बोल रहे हैं कि आपने ऐसा मुझे क्यों कहा? मैंने नहीं कहा कि मेरी भी अपनी, आपने नहीं कहा, चले डिलीट कर, इसको एक्सपंज कर दीजिए। अरे स्पीकर महोदया, इसको एक्सपंज कर दीजिए, एक्सपंज हो गया। बधाई वापस, बधाई वापस, बधाई बधाई वापस करो, मेरा बधाई वापस कर दो, हो गया हो गया, मेरा बधाई वापस कर दो, हो गया, मेरा बधाई वापस ले लिया, बधाई वापस, बधाई डस्टबिन डाल दिया। आप सुनिए मेरी बात, देखिए इन्होंने कहा संबित पात्रा जी आप जाके बोलिए अर्थव्यवस्था बड़ी खराब हो गई, आप उस पर बोलिए। मैं क्यों बोलूं? आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ के आज तक पे चिल्ला चोट करेंगे, जाइए ना जनता के बीच में बोलिए। आप तो 2014 से 2019 के बीच में छाती पीट पीट के, आप ही नहीं, आपके वो अवार्ड वापसी वाले भी थे, वो भी छाती पीट पीट के, आपके कुछ और लोग भी थे, आपके कुछ और लोग भी थे, हर जगह थे, वो छाती पीट पीट के रो रहे थे, हाय मोदी ने मार डाला, हाय मोदी ने काट डाला, मोदी ने बर्बाद कर दिया। आप नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आए थे, सोनिया जी के पीछे आप खड़े थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन, किसी के पास बेरोजगारी की रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार है, फिर उसमें भी हार गए। 2019 का चुनाव आया, उसमें नतीजे आपने देखे थे। इसलिए मैं जाके बोलूंगा नहीं जनता को, आप लोग जाके जनता को बोलिए, जनता उसका जवाब दे रही है।